सब लोग में से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरे मैट्रिक में अच्छे नंबर आएँ और कल का व्लॉग भी यही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब की। उम्मीद करता हूँ आप होंगे खैरियत से। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत और परेशानी से बचाए। मैं हूँ सैयद यासीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद यासीन व्लॉग्स। तो अल्लाह ताला के रहम करम से आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। तो आज जुमे का दिन है, आज रबीउल अव्वल का दूसरा जुमा है। तो सबसे पहले आप सब भाइयों दोस्तों को मेरी तरफ़ से जुमा मुबारक। तो आज का व्लॉग यही है कि आज हम जुमा पढ़ेंगे और अपने घर के दो तीन काम हैं वो भी करेंगे, लेकिन जुमे को अभी दो तीन घंटे बाकी हैं इसलिए हम अपने घर के काम कर लेते हैं। घर का पहला काम जो है वो चक्की से गंदम पिसवा कर लानी है और दूसरा काम जो है फैक्ट्री से खाल ले आनी है। तो पहले हम गंदम पिसवाते हैं चक्की से और बाद में फैक्ट्री से खाल लेकर आएँगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो आइए चलते हैं। कितने के लगेंगे? चौथी किलो हो गया ना फर्स्ट। शाम में आ चौकला बिल्कुल जी, जुमे तो फौरी बाद की ना जफर शाह। तो मैंने गंदम को चक्की पर रख दिया तो अब मैं डंगरों के लिए खाल लेने जा रहा हूँ फैक्ट्री से। तो मैंने फैक्ट्री से खाल ले ली है, अब मैं अपने घर को जा रहा हूँ। दोस्तों मैं गंदम को चक्की पर रखा है, उन्होंने कहा है कि आप जुमे के बाद ले जाना और मैं फैक्ट्री से खाल भी ले आया हूँ और मैं घर आ गया हूँ। तो जुमे को तकरीबन घंटा डेढ़ रहता है, तो घंटे डेढ़ के बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों जुमे का टाइम जो है वो हो गया, तकरीबन दिन के दो बज रहे हैं और जुमा जो है ढाई बजे पढ़ाया जाता है, तो इसलिए मैं जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो हमारे साथ वाले गाँव में ही मस्जिद है जहाँ पर जुमा पढ़ाया जाता है, तो इसलिए मैं अब जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जुमा पढ़ लिया है, मैं अभी जुमा पढ़ के आया हूँ। तो आज की जो खुशी की खबर थी वो ये थी कि मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आने वाला है कल शाम को, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरे मैट्रिक में अच्छे नंबर आएँ। और कल का व्लॉग भी यही होगा, मेरे मैट्रिक में कितने नंबर आए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।